बहुत टाइम के बाद आज मतलब नेकेड गाड़ी के गाड़ी चला रहा हूँ। मतलब चलाए वो बहुत है लेकिन राइड बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ नेकेड गाड़ी को। इतने दिन शेयरिंग गाड़ी के ऊपर चला रहा था तो कैसा उस स्पीड में रहेगा ज़्यादा तो विंडशील्ड के अंदर जाने के बाद हवा बाजू से कट जाता है तो समझता नहीं है मतलब क्या हो रहा। लेकिन नेकेड गाड़ी का तो हवा डायरेक्ट बॉडी पे लगता है सामने से आगे तो बॉडी भी पूरा पीछे ढकलता है गाड़ी। अब यहाँ से आगे तो कसारा घाट लगेगा अभी तो वैसे भी अंधेरा हो गया तो रुकेंगे यहाँ पे ही। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये कुर्ला का ब्रांड है भाई, अच्छा बजता है। ये वो भाई एडवर्टाइजिंग कर रहा है, वो ब्रांड का एडवर्टाइजिंग। ए भाई विलीचं काय केलं, विलीचं विली मारणार होता ना विली। मच नाही आज काम हो गया अभी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वो बोल रहा अभी अंधेरा हो गया है तो आज विली नहीं मारेगा, वो अभी वो डांस करे, गाना वीना लगा है, फुल माहौल बना रहा है। अभी घाट से जाना स्टार्ट किया है, अंधेरा है रात को यार, व्लॉग में समझेगा कुछ नहीं समझेगा, रोड कुछ मतलब पता नहीं चलेगा क्योंकि पहली बार तो नाइट वाला शूट कर रहा हूँ मैं। देखिए अगर अच्छा फुटेज आएगा तो जरूर डालूंगा मैं। बाकी जो यार एमटी पे दोनों जन है बहुत मजा ले रहे, तो गाना बिना बजा के फुल मजा ले रहे। माहौल तो पूरा यहाँ पे ठंडा है यार, मैंने तो जैकेट पहना है फिर भी अंदर मुझे ठंड लग रही है। मतलब यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा ठंडा है और व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, लेकिन अभी अंधेरा होने के बाद यहाँ से व्यू कुछ दिखेगा नहीं नीचे वाला, क्योंकि व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम शिरडी का ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, कावासाकी Z900 है। तो भाई निकल रहे यहाँ पे घर जाने के लिए, मंदिर का रास्ता था। बहुत ज़्यादा भीड़ है, संडे है तो ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ पे। हमारा तो दर्शन हो गया है, हम लोग बहुत सुबह गए थे जल्दी, बहुत ज़्यादा लाइन था तो यहाँ पे मतलब 5:20 भी जल्दी मिल रहा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि तो अब भी जस्ट फिर से स्टार्ट हो गया है तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ये साई बाबा मंदिर ये राइट साइड में, ये देखो कुछ आने के लिए 226 किलोमीटर लगा था हमें, 226 227 किलोमीटर। अभी जाने के लिए एक शॉर्टकट तो दिखा रहा है बीच में से कुछ 215 किलोमीटर, मतलब 10-12 किलोमीटर का जो फर्क पड़ जाता है, लेकिन रास्ता कैसा है वो पता नहीं क्योंकि ये जो 4-5 किलोमीटर का रास्ता अभी यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कल ही रात को हमने देखा था लेकिन रात को कैसा है वीडियो में ज़्यादा क्लियर कुछ समझता नहीं है, तो अभी समझ जाएगा रास्ता कैसा है वो। और फ्यूल भी नहीं है गाड़ी में तो पहला फ्यूल भरेंगे उसके बाद निकलेंगे, लेट भी ज़्यादा हो गया जाने के लिए, अभी कुछ 11 बज रहे हैं। क्लाइमेट तो अभी थोड़ा अच्छा है लेकिन धूप आ जाएगा तो गर्मी से जान जाने वाला है क्योंकि यार वो राइडिंग जैकेट में गर्मी बहुत ज़्यादा था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत दो दो ओपन रखा है उसको। यहाँ से रास्ता पूरा खराब है आगे तक, ये तो पेट्रोल पंप बंद है, आगे का देखेंगे। है वैसे फ्यूल, मतलब गाड़ी
25 30 किलोमीटर तो जाएगी, लेकिन एक ही बार अभी रुकेंगे, फिर डायरेक्ट देखेंगे कहाँ पे अगर अच्छा स्पॉट कहाँ पे मिलेगा तो थोड़ा फोटो शूट करेंगे। पेट्रोल तो एकदम कट्टू कट टाकी में फुल कर दिया, लेकिन वो थोड़ा देखो एक गांडी कमी दिखा रहा है। कल भी वैसा ही हुआ था, जब रात निकलते हुए अपने भरा ना पेट्रोल, तभी वैसा ही हुआ था। लगता है एक्स्ट्रा स्पेस होगा यहाँ, इसको कहाँ पे दो तभी ये फुल होता होगा। अगर किसी के पास Z900 रहेगा तो उसका भी ऐसा कुछ रहेगा तो यार कमेंट करो बताओ, क्या सिर्फ यही गाड़ी में ऐसा हो रहा है। फ्रंट वाला कैमरा भी लगा चुका हूँ तो अभी उससे भी थोड़ा सा शॉट डालूंगा, अगर अच्छा शॉट आएगा रहेगा तो ज़रूर डालूंगा उसका। ये वाला रास्ते की बात कर रहा था मैं, ये तो पूरा ख़राब है, और ये 3 या 4 किलोमीटर तक तो ऐसा ही है पूरा रास्ता। उजाला है तो दिख भी रहा है, रात को तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब बड़ा खड्डा कौन सा है, मतलब नॉर्मली ऐसा, और पूरा रास्ता भी गीला हुआ गीला था तो टायर थोड़ा भी ग्रिप नहीं कर रहा था रात को। एक तो रोड ख़राब है और उसमें भी ट्रैफिक लगेगी, तो यहाँ से ही निकलने को लगता है आधा घंटा तो निकल ही जाएगा यहाँ पे। देखो ये तो पूरा जाम है, देखो इससे पहले ट्रैम टाइगर था मेरे पास, ओ हो ऐसा लग रहा है बेच के थोड़ा पछता रहा हूँ मैं। अभी वो बाइक यहाँ पे होता तो यार कुछ टेंशन भी नहीं था। निकल तो गए यहाँ से, तो टायर को कीचड़ लगा है तो थोड़ा आहिस्ता ही चलाएंगे, क्योंकि थोड़ा कीचड़ निकलने के बाद थोड़ा भगाएंगे। सागर मोरे व्लॉग्स आ गया। आप कहाँ गए, सिडनी गए थे? सांता क्रूज मुंबई। हाँ सांता क्रूज मुंबई से सिडनी गए थे। हाँ सर्वे करने हम लोग की पालकी निकलती है मुंबई टू सिडनी। हाँ जनवरी में 13 तारीख को, नया साल का दूसरा गुरु और फिक्स है हमारा। मतलब नाम क्या है पालकी का? आओ साई। आप कहाँ रहते हो? थाना से। थाना से हो? हाँ चलो फिर चलो बाय। इनका भी पालकी निकलता है सिटी जाने के लिए, तो रोड सर्वे के लिए आए थे अभी, मतलब रोड का कंडीशन क्या है। उस जनवरी में निकलेगा पालकी उनका, तब लग तो रोड का काम भी आधा हो जाएगा यहाँ पे, और देखना तो पड़ता है क्योंकि वो चलते आने वाले सब जन, रहने का मैनेजमेंट भी सब देखना पड़ता है, क्योंकि 8 से 9 दिन तो उनको लगते ही यहाँ पहुँचने को, तो ये सब देखना ही पड़ेगा उनको। हमने से कैमरे से कैसा व्यू आ रहा था एक बार बता दो यार, क्योंकि मुझे ही पता चले, क्योंकि अभी ये बाइक है तो मैं ये आगे लगाऊंगा, अगर 10 RR से राइड करूँगा तो यार मैं पीछे ही लगाऊंगा उसको कैमरा तो, लेकिन इस बार बांध के रखूँगा कोई तो चीज़ से बांध के रखूँगा कैमरा, इस बार गिरना नहीं चाहिए। ये तो नहीं गिरेगा, सामने भी लगा है, और गिर भी गया तो भी मुझे दिखेगा। जैसे लास्ट में गिरा था लास्ट टाइम, तो यार वो तो नसीब से मिला था, बहुत अच्छा हुआ गया, मतलब जो भी जिसको भी मिला था वो मेरा पहचान वाला ही था वैसे, लेकिन अच्छा हुआ उसे ही मिला, अगर किसी और को मिल जाता तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कैमरा मिलना। सुपर बाइक ले जाने का सोचा तो मतलब रास्ता अच्छा ही चाहिए थोड़ा बहुत तो, क्योंकि ख़राब रास्ते में इसका कुछ भी फायदा नहीं है, गाड़ी भी बहुत स्लो चलाना पड़ता है और देख देख के चलाना पड़ता है, अगर कौन से खड्डे में गया कभी सस्पेंशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है। देख लो यार इससे अच्छा लोकेशन तो मिल भी नहीं सकता फोटो शूट के लिए, निकालेंगे फोटो डालूंगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ, मतलब राइड कहाँ जाने वाले हो ये सब इंस्टाग्राम पे, तो आपको डेली अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा।